हमें अक्सर ये देखा है कि जब आप नाउमीदी में जाते हैं, जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, तो लोग इंतहाई कदम जो होते हैं वो उठाते हैं, और उसमें सुसाइड बहुत कॉमन होता है। अब इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो कौन सा इस पॉइंट आता है जहाँ पर आप जाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं या आप सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो उसमें आज मैं इस वीडियो में यही बात करूँगी कि सुसाइड जो होती है उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं और किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं। जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो डिप्रेशन उसमें पाया जाने वाला एक बहुत आम मर्ज़ होता है, और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। और जो रिसेंट WHO की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि तकरीबन 30 मिलियन लोग पाकिस्तान में जो है वो मेंटल हेल्थ इशू का शिकार है, और उनमें डिप्रेशन एक मर्ज़ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि सुसाइड क्या है और किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तखार है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अर्सा हो गया है, और करंटली मैं रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान में अपने सर्विसेज मुहैया कर रही हूँ। सुसाइड का वर्ड सुनने में ही जिसको आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप उस पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, आप इतने नाउमीद हो जाते हैं, आप इतने होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का जो है वो खात्मा कर लेते हैं, या आपके अंदर सुसाइडल थाट्स आते हैं, सुसाइडल आइडिएशन आती है या सुसाइडल अटैम्प्ट आती है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर सुसाइडल आइडिएशन है तो हम उनको बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं, हम उन पेशेंट्स को लाइफ की तरफ वापस ला सकते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट कर सके। दूसरा, इसमें अगर आपके सुसाइडल आइडिएशन जो है वो कन्वर्ट हो रही है सुसाइडल अटैम्प्ट की तरफ, या आपके प्लान जो है वो आप पूरे प्लान करता है पेशेंट कि मैंने इस तरह से अपने आप को ख़त्म करना है या अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, तो उसमें हम उसको सीरियस नोट पर लेते हैं जिसमें कुछ साइकेट्रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है और साथ में थेरेपिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है कि पेशेंट को थ्रू सम मेडिकेशन हेल्प की जाए ताकि वो सुसाइड प्रिवेंशन की तरफ आ सके। और आखिर में अगर वो बहुत ज़्यादा सुसाइडल अटैम्प्ट कर चुके हुए हैं या उनका एक पैटर्न डेवलप हो गया हुआ है कि वो सुसाइडल हो गए हैं या उनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम फैमिली इन्वॉल्वमेंट में आते हैं एंड सुसाइडल प्रिवेंटिव मेजर्स पर जाते हैं कि किस तरीके से आप इन सुसाइड्स को होने से पहले ही रोक सकते हैं। लेकिन ये हम तब करते हैं जब ये चीज़ें हो चुकी हुई होती हैं। एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरी इसमें ये एडवाइस हमेशा होती है कि हम प्रिवेंशन पर क्यों नहीं बात करते। इंटरवेंशन इज़ मोर डिफ़िकल्ट जब आपके पास पेशेंट एक सुसाइडल थॉट्स या अटेम्प्ट्स के साथ आता है, तो उससे पहले हम क्यों नहीं इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो जब आप प्रिवेंशन पर बात करते हैं तो हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है वो बचा सकते हैं और इनको ट्रीट कर सकते हैं, इनको नॉर्मल कर सकते हैं। तो सुसाइड की एक बुनियादी वजह जो है में डिप्रेशन आ जाता है। जब आप डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सुसाइड को जो है वो रोक देते हैं। दूसरा, सुसाइडल का जो रेशो हाई होता है वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में होता है जिनके अंदर इमोशनल वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इमोशनल डिसरेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करें तो हम जो सुसाइड है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरी, हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको मैसिव लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। जब हम गवर्नमेंट लेवल पर, जब हम लाइक पर्सनल लेवल पर इसको एफर्ट्स लेकर चलेंगे कि हमने जो सुसाइड प्रिवेंशन है उस पर काम करना है, तो हम इस तरह के जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनको रोक सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज आर द सीरियस कंडीशंस, इनको इग्नोर नहीं करें। और अगर कभी कोई आपके साथ एक चीज़ शेयर करता है कि मेरे जीने को दिल नहीं करता या मुझे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, तो उसको सीरियस समझे और उसकी हेल्प करें। अगर आप खुद हेल्प नहीं कर सकते तो उसमें आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लें ताकि एक ज़िंदगी को हम महफूज कर सकें, सेव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।